तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। काम पर गया हुआ था और उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। हालांकि करंट लगने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद हायर सेंटर उसे रेफर किया गया था और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। और ड्यूटी पर थे उस समय, कितने बजे हुआ था ये तो मेरे को मालूम नहीं है जी। कितने बजे? परिवार कैसा है? परिवार तो बहुत गरीब है जी। परिवार में बताया जा रहा है बेटियां ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेटा छोटा है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिन तक अस्पताल में दाखिल रहा? वो तो यहाँ 2-3 दिन नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ उसका इलाज नहीं करवाने दिया, इन्होंने मना कर दिया इन्होंने, इस करके उस पे। सरकारी नौकरी में है या वैसे ही प्राइवेट काम? प्राइवेट काम करते हैं, बिजली का। हाँ जी, हाँ जी। शॉर्ट सर्किट से हुआ या हाई वोल्टेज के करंट से? हाई वोल्टेज। कितनी वोल्टेज? 400। तो आप सबको, परिवार को किसने जानकारी दी थी? साथ में कोई सहयोगी भी था वहाँ पर उस समय? तो उस टाइम तो मेरे को पता नहीं है। 2 दिन पहले हुआ हादसा? किन्होंने? जहाँ काम कर रहे थे? जहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, तो 2 दिन के बाद इन्होंने जवाब दे दिया भाई मेरे आज तक का खर्चा था, आगे अपना कहीं और भी करा हुआ। ठीक है। तो उसको चंडीगढ़ लेके गए। हाँ। तो एक्सपायर हो गया। चंडीगढ़ एक्सपायर? कितने दिन चंडीगढ़ रहे? 2 दिन PGI में। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके बाद उन्हें बिजली का झटका लगता है और उनकी मौत हो जाती है। हालांकि वो अस्पताल में भर्ती थे लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत गरीब परिवार है। बहुत गरीब परिवार है जी। और करंट मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा था भैया। अच्छा। वहाँ पे करंट लगने से उसको जल फुल बॉडी जल गई थी जी। आज 8 दिन हो गए हम बैठे थे, हमारा कोई न्याय नहीं मिल रहा था। 3 बेटियां हैं भाई के पास और एक छोटा सा लड़का है जी। पुलिस से बात बहुत है? पुलिस से बात हुई थी जी, उन्होंने दिलासा दिया था कि भी तुमको न्याय मिलेगा कल, इसीलिए जी फिर बैठे हैं। अभी तक हमने संस्कार नहीं करा। अब क्या कहते हैं पुलिस वाले? अब उन्होंने न्याय देने की पूरी हमारा साथ तो दिया है जी। देखो न्याय मिलेगा तो यहाँ पे ये काम कर रहे थे, उन्होंने कोई मदद की? हाँ, वो विपिन गुप्ता है जी। हाँ? उनकी फैक्ट्री में ही काम कर रहे थे भैया 20 साल से। ठीक है। हाँ जी। तो फैक्ट्री में 20 साल से वहीं पर हुआ शॉर्ट सर्किट? हाँ जी, वहीं पे हुआ, वहीं पे हुआ था जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत बुरी खबर है। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक व्यक्ति को, कर्मचारी को करंट लगता है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पर वो उपचार के दौरान दम तोड़ देता है। और आप देख सकते हैं अब परिवार के लोग कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हुए हैं जहाँ पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद परिवार को डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रोते भी लगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बिजली का करंट लगा था, उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं उनकी मौत की खबर आती है। परिवार के लोगों ने गंभीर आरोप भी जो है फैक्ट्री के मालिक पर लगाए हैं क्योंकि फैक्ट्री में काम करते वक्त ही उनकी करंट लगने से मौत हो जाती है। हालांकि करंट लगने के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां पर उसे उसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है।